अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं आलू चिकन बिरयानी रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इस रेसिपी के लिए हमने तकरीबन 1.5 चम्मच हमने घी लिए हैं और हम घी में बनाएंगे बिरयानी। थोड़ा सा हमारा घी गर्म हो जाए तो अब हम इसके बाद प्याज डाल रहे हैं। ये हमारे पास 2 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे और इसके बाद हमने हमने लहसुन अदरक और 2 रेड मिर्चें उसका हमने पेस्ट बनाया हुआ है। ये जब हल्की से हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें पेस्ट डालेंगे। ये हमने पेस्ट बनाया हुआ था पहले से। पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ और जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। 4 अदद हमारे पास टमाटर है दरमियानी साइज़ के, ये हम डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को हम तकरीबन 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसके बाद हम पानी डालेंगे टमाटर को गल करने के लिए। और ये हम पेस्ट बना रहे हैं। ये हमने दही लिए 250 ग्राम और हमने बिरयानी मसाला डाला है तकरीबन 3 चम्मच हमने बिरयानी मसाला डाला है और 1 चम्मच हमने काबली पुलाव मसाला डाला है और ये हमने 1.5 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे दही का और इसका जो पेस्ट है ये हम बाद में लास्ट में हम मसाले में डालेंगे बिरयानी मसाले में। तो आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर ये गल हो चुके हैं। तो अब हम आलू डाल रहे हैं। आलू हमारे पास तकरीबन 1/2 किलो है और ये हमने डाल दिए आप देख सकते हैं। और हम जो बिरयानी बना रहे हैं ये आलू और चिकन की बिरयानी है। तो आप देख सकते हैं हमने आलू डाल दिए। अब हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं आलू को पकाने के लिए। तो ये हमारा 5 मिनट तक हम पकाएंगे आलू को। तो इसके बाद हम इसमें नमक डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने 1 चम्मच नमक डालना है इसमें। और ये हम चिकन डाल रहे हैं, चिकन भी हमने डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हम चिकन को पकाने के लिए तकरीबन 1 गिलास पानी डाल रहे हैं और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक इस पे ढक्कन रख देंगे और इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है बिरयानी की। हमारा जो चिकन है और आलू ये अच्छे से गल हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे दही का पेस्ट, जो दही और मसाले वाला हमने पेस्ट बनाया था ये हम डाल रहे हैं आप देख सकते हैं। और अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर हमारा जो मसाला ये तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है बिरयानी मसाला ये तैयार हो चुका है। और अब हम इसके लिए चावल बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमने चावल लिए तकरीबन 1 किलो और हमने पानी डाला है। पानी चावल से तकरीबन 2 इंच ऊपर होना चाहिए। और आप देख सकते हैं हमने गरम मसाला डाल दिया है और 1/2 चम्मच घी हमने डाला है और 2 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। अब इसको हम पका लेंगे। तकरीबन हम 90% चावल को पकाएंगे और बाकी 10% हम चावलों को दम पे रखेंगे। हमारे जो बिरयानी है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है इसमें हम अब चावल डाल रहे हैं। चावल को हमने तकरीबन 90% पकाया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल, आप देख सकते हैं हमने चावल डाल दिए हैं मसाले के ऊपर। और इसके बाद हम इसके ऊपर लीमू डालेंगे। ये आप देख सकते हैं हम फूड कलर डाल रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास
लीमू है, लीमू हम डालेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्चे हम ऊपर रखेंगे। और इसके बाद जो हमारी, इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए दम पे रखेंगे बिरयानी को। और इसके बाद हमारी जो बिरयानी है ये तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी, हमने तकरीबन 1 घंटा दम दिया है बिरयानी को, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है बिरयानी की। और अगर आप लोग को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी बिरयानी की, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।